मेरा बीवी को लेके क्यों भागा तुमने बता, मेरे को 2 दिन बाद शादी है, मेरा उसके साथ स्वागरात है और तुमने लेके भाग गया। हाँ अभी तक नन्ने नन्ने मैंने देखा था 2 बच्चे की आस में और तुमने लेके भाग गया मेरा गर्लफ्रेंड को। हेलो आमी स्वप्न थे तुम्हार। हेलो गाइस, तो आज हम लोग आ गए कॉलिंग प्रैंक लेके, तो देखते हैं कि वीडियो में क्या होता है। और हम लोग कोई भी रैंडम नंबर पे कॉल करने वाले हैं और जो भी उठाएगा उनके साथ प्रैंक करने वाले हैं। और इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, जैसे कि लड़का हुआ तो मधु बात करेगी और लड़का लड़की हुई तो मैं बात करूंगा। ओके और अगर हाँ कभी किसी लड़के ने इसका फोन उठा लिया तो इसको उससे भी बात करना पड़ेगा, उसके साथ प्रैंक करना पड़ेगा। और गलती से कोई लड़के ने मेरा फोन उठा लिया तो उसके साथ हमको ये करेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग एक रैंडम नंबर डाल रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। 1 2 3 4 5 6 7 है, कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है। हम पक्का पहली कक्षा में पूरा फेल हुए थे इसीलिए वो देख के ही समझ आता है। You are not dialing a valid number. अरे यार मेरा किस्मत खराब है, एक भी वैलिड नंबर तब से 4 कॉल पे कॉल कर चुका है और सब वैलिड। चलो देखते हैं अपना नंबर में थोड़ा सा चेंजेस करते हैं एक बार। अरे लास्ट का नंबर 3 घुमा फिरा के दीजिए। कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलो 10 नंबर हो गया। आप देखते हैं आ जाए यार, कोई तो आ जा, कोई तो आ जा। ये तो मेरे लैंग्वेज मार दिया। ये भी इनवैलिड, इसका क्या होगा? 9 8 0 8 0 0 0 6। चलो अब देखते हैं यार, सही नंबर तो कोई चक्कर दिया तुम सारा गलती ना। अरे लग गया। हाँ चलो देखते हैं क्या होता। This call is now being recorded. Hello? तेरा किस्मत खराब बोल रहा है। अरे लोग हेलो बोलते हैं, लोग फोन काट देता है। तेरे बोली कहाँ? बापरे, ये लोग हेलो बोलेंगे लोग फोन काट देगा। सोच था हमको लगा ये करेगा, दैट्स व्हाई मैंने ये बोली यार, ये भी कॉल गया, फिर से लगा। देखते हैं कि अब की बार क्या होता है। तो देखते हैं। Let us unitedly work to stop further spread of COVID-19. Hello? This call is now being recorded. Hello? Hello? हाँ हाँ, तुम मेरी भाई की गर्लफ्रेंड बोल रही हो ना? तेरे भाई की गर्लफ्रेंड कौन गर्लफ्रेंड? अच्छा मेरे भाई का नाम आशु है, तो उसकी गर्लफ्रेंड बोल रही हो ना? मैं तो हाँ, यही नंबर तो दिया मुझे वो रो रहा है बहुत तुम्हारे लिए। कौन रो रहा है? हम नहीं जानते, हम तो शादीशुदा है। ओ तो शादीशुदा को बताया तुम? नहीं मैंने नहीं बताया। साथ बोल रहे थे? हाँ हम नेहा बोल रहे हैं। मैंने कहा से हम बोल रहे हैं मुंबई से। मुंबई से तो हम तो नहीं जानते हैं किसको बारे में बोल रहे हैं। लड़का भाई लड़का का नाम क्या है? लड़का का नाम आशु है। नहीं वो नहीं है, हम नहीं जानते उसको, आशु को। ओ पर वो तो बोल रहे हैं तुम ही हो उसकी गर्लफ्रेंड। मेरा नाम है पूछो। वो तो बोला कि तुम नेहा बोल रही हो। नेहा नहीं है मेरा नाम पूनम है, समझे? हमको सारी सुविधा है। पूनम ही बोल रहा था, मेरा ही गलती हो गया। पूनम ही बोल रहा था वो। पूनम नहीं बोल रहा था। हाँ पूनम बोल रहा था, वो बोली कि बहुत सुंदर है वो लड़की, बिल्कुल तुम्हारी तरह। देखो देखो हम बोल रहे हैं, मेरा आदमी बोलेगा, बात बोली बोल देगा, समझ गए? हम नहीं जानते उसको, ठीक? अरे जानती तो हो तुम मुझे। हाँ वो बोल रहे, देखो तुम तो जानती हो, उसी दिन तो मिले थे तुमसे। मैं भाई को छोड़ के कैसे चली गई तुम? हाँ दिए तो है, रो। तुम भाई मुझे छोड़ के चली गई उस दिन से। तुम रो मत। उस दिन तो तुमसे मिले थे, परसों तो। हेलो हाँ बोलो। परसों तो तुमसे मिले थे। ए हम नहीं जानते, समझा? मेरा हस्बैंड आएगा तो बात बोलेगा तुमको, समझ गया ना? हम नहीं जानते हैं। ठीक है, आपके हस्बैंड को ही बोलेंगे। आप इसकी गर्लफ्रेंड हो, आप कैसे दूसरा शादी कर सकते हो? ओए तो मुझे छोड़ के तुम कब गई? और ये बताई भी नहीं तुम मुझे। अरे हम नहीं जानते हैं, तो हम
तुमने मुझे धोखा दिया है। रुको जरा, सबर करो। ये कैसे करते? म्यूजिक। बहुत ज्यादा योग। उसने गाली मार दिया, गाली देके वो भी। यार मेरा क्या ही गाली है। ठीक है ठीक है, गाली देके कॉल करता है यार। चलो अच्छा है, अब इसको हम घर आएंगे किसी दिन अपने मन में बैठ के। चलो अब देखते हैं, कुछ नया नंबर ट्राई करते हैं। कौन है देखे जाए, कौन किसके ऊपर ट्राई करेंगे। नंबर बता रहे कुछ भी? चलो सिक्स टू नाइन। हमें ऐसे नंबर से सिक्स लगेगा, एट लगेगा, फिर नाइन नहीं लगा सकता है। नहीं वो सब को लगता है। चुप रह, चल चुप रह, चल देगा। तू चुप रह। गाना तो बड़ा मस्त है। अब तेरे ऊपर होने वाला है प्रैंक। मारो छाती फोड़ रे, मैं तो मार रे साले का खोपड़ी तोड़ रे, खोपड़ी तोड़ साले का। हाय हाय भी अभी भीगी सही में बारिश का समय चल रहा है। अरे यार किस्मत खराब है, उठाया नहीं। रुक इसको, हम नहीं उठाया, इसको वापस हम करेंगे, बट मुझे ये चाहिए यार। हैं असली वाला प्यार मत कर बैठो। मुझे इसे मुंह पे कॉल कर दिया। नहीं मेरे को चाहिए वापस। है तीसरी बार फोन लगा रहे हम लोग। आपने कॉल করেছেন সেটি বর্তমানে ব্যস্ত আছে। लगता है इसका बॉयफ्रेंड इसको पहले से तंग करता है, इसलिए लगा कि वही कॉल किया है। चलो कोई रावल नंबर। गर्लफ्रेंड भी तो हो सकती है ना। जो भी हो यार, ब्लॉक लिस्ट में संगे संग डाल दी। चलो क्या नंबर डालें, नंबर डाला जाए, क्या डाला जाए, क्या डाला जाए। चलो हाँ, 9 9 8 7 9 1। उसके आगे डम डी गडी का डम। चलो चलो 9 8 7 9 1 7 9 1। आगे होगा डम डी का डम डम। हो गया सही में हो गया डम डी का डम। टॉनी का कर, तेरे को हम फेल करेंगे। ए तब टॉनी ते गलत नंबर बोला था। हम कर इस बार हम करेंगे। ये एक बार में को ये इसका कॉलर ट्यून है, पता नहीं इसी का फोन से इसी का कॉलर ट्यून का बज रहा है। हेलो हाँ हेलो हाँ भूल गए मुझे भूल गए तुम मुझे अरे वाह तुम मुझे भूल गए आपकी दोस्त वही पुरानी वाली हाँ हाँ जी नाम मेरा नेहा शर्मा नेहा 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 हाँ भूल गए क्या आप मेरा नाम? आप मेरा नाम भी भूल गए इतना जल्दी? इतना जल्दी आप नाम कैसे भूल गए यार मेरा? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या हेलो? अच्छा कुछ बोलिए तो आप, इतना दिन बाद मैंने आपको फोन किया, आप कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। की भाप चो हेलो আমি স্বপ্ন দে তোমার আরে আজকে এসেছি স্বপ্ন দিয়ে দিয়ে কোথায় এই তো কলে কোথায় হাসছি কোথায় হাসছি এতদিন পর ফোন করছি বলে আমি খুশিটা মানে মনে রাখতে পারছি না বলে হেসে দিচ্ছি বলো আর কি করছো আমার কথা হচ্ছিল বাহ কি ভাবলে কি ভাবলে কেন বলো বলো কোনো প্রবলেম নেই আপনি বলতে পারেন হ্যালো
हेलो আমার বাড়ি আমার বাড়ি তো তোমার স্বপ্ন দেখো আমার মাথা শেষ নেই আমরা দুজনে মিলে জন্ম বানাবো আমরা দুজনে যখন দেখা করব তারপরে আমার বাড়ি জন্মতে হয়ে যাবে হ্যাঁ বলো কি হলো তোমার আপনি আমাকে ভুলে কিভাবে গেলেন আপনি আমাকে ভুলে কিভাবে গেলেন আমি তোমার কত ভালো বন্ধু ছিলাম বলতো হ্যাঁ তুমি আমাকে ভিডিও কল করতে তোমাকে ফোন করতে দিন রাত খেয়েছো কিনা ঘুমাইছো কিনা এইগুলো বলতে এখন তো ফোনও করো না আমি তো এখানেই ছিলাম আমার নাম্বারটা তো এটাই তুমি তো ফোন করলে না এতদিন এরকম কেন করলে তুমি অনেক দুঃখ হয় গো অনেক দুঃখ হচ্ছে তাই জন্যই তো আমি দুদিন আগে হার্ট ফেল হতে হতে বাঁচলাম হসপিটালে গো আমি ঘরেই হার্ট ফেল হয়ে যেতাম তারপর আমার মা বললো কিসের জন্য আমি ওই বন্ধুটা আমার ফোন করছে আমি মাথাও চেক করিয়েছি আমার মাথায় তুমি আছো খালি হ্যালো আচ্ছা একটা কথা বলবো আমরা না ইউটিউব ভিডিও শুট করছি ঠিক আছে এই জন্য আমরা র্যান্ডম কলে আমরা ইউটিউব ভিডিও শুট করছি এই জন্য আমরা র্যান্ডম কলে প্র্যাঙ্ক করছি বলে তোমাকে ফোন লাগালাম প্র্যাঙ্ক করার জন্য ঠিক আছে সেকেন্ড কল ই সেকেন্ড কল থা গাধি ও हम लोग दूसरा कॉल करने वाले हैं अरे दूसरा ही कॉल था हाँ तो दूसरा तो ऐसे भी होता ना पहला पहला फिर दूसरा दूसरा फिर दूसरा 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 भी होता ना पहला पहला फिर दूसरा दूसरा फिर दूसरा दूसरा फाइव मिनट्स लेटर और कोई बाकी रहा ब्लॉग खोलने में लेते हैं बहुत जाने छोड़ो अब ये सबको ब्लॉक कर रहा है चलो नया नंबर अब हम लोग नया दूसरा किसी को कॉल करते देखा जाए क्या होता है ये मतलब घटिया नंबर पे ये भी इनवैलिड आएगा प्रॉमिस है आप लोगों से देख लीजिए वैलिड आएगा यू आर नॉट डायलिंग अ वैलिड नंबर प्लीज देखिए 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 हम इसका नंबर देख के समझ जाते हैं कोई बात नहीं हम तो चूतिए हैं दोबारा ट्राई करेंगे और क्या बेचौर के काम हम पे क्या नंबर डालता है छोटा एक साल का बच्चा को भी पता है कि पहले में क्या डाला जाता है ये एकदम घटिया नंबर डालता है चलो ठीक है अब ये ठीक है नहीं ये भी ठीक नहीं है देखो हाँ ही जाएगा सर तुम तो प्रभु देवा निकले हेलो हाँ हेलो मेरी गर्लफ्रेंड कहाँ है मेरी गर्लफ्रेंड कहाँ है हेलो तुमने मेरा गर्लफ्रेंड लेके भागा था ना क्या तुमने मेरा गर्लफ्रेंड लेके भागा है ना भाई गर्लफ्रेंड नहीं तुमने ही लेके भागा है मुझे पता है तुम्हारा नंबर मेरे को मिला है तुमने मेरा गर्लफ्रेंड लेके भागा है तुमने मेरा गर्लफ्रेंड लेके भागा है उससे शादी करने के लिए मेरा गर्लफ्रेंड लेके तुमने भागा है शादी करने के लिए मैं भागूं हाँ तुमने भागा है मुझे तेरा नंबर मिला मुझे तुम्हारा नंबर मिला है तेरा नंबर हाँ मैंने आप नंबर नहीं रॉन्ग नंबर नहीं है मैंने बहुत जन से खोजताल किया तुम्हारा नंबर तब जाके मेरे को मिला है मेरा गर्लफ्रेंड को तुमने ही लिया था कहाँ से शादी करने के लिए उसको लेके गया है ना कहाँ लेके गया बता हेलो
हाँ हेलो। हाँ भाई साहब बोल। हाँ तुमने मेरा गर्लफ्रेंड को कहाँ लेके गया है शादी करवाने के लिए? अरे अरे वो लेके ही कह रहे बात करो सर, तो कैसे बात करो भाई? अरे भाई तुम्हारा नंबर मुझे मिला है, तुमने मेरा गर्लफ्रेंड को लेके भागा है। गर्लफ्रेंड हाँ केवल है अरे मेरी नेहा जो गर्लफ्रेंड थी क्या? उस तुमने लेके भागा है उसको। गर्लफ्रेंड मतलब बीबी। हेलो हेलो भाई गर्लफ्रेंड आवाज। बता हाँ मेरा गर्लफ्रेंड को लेके क्यों भागा बता? मैं उससे शादी गर्लफ्रेंड करने वाला था 2 दिन बाद और तुमने लेके भाग गया। हाँ स्वागरात भी नहीं बनाया अभी तक तो। हाँ अरे हम बिहार से बोल रहे हैं। यार बिहार को ना अपना 11 किलोमीटर को फर्क है भाई गर्लफ्रेंड वाला। मेरा बीवी को लेके क्यों भागा तुमने बता? मेरे को 2 दिन बाद शादी है, मेरा उसके साथ स्वागरात है और तुमने लेके भाग गया। हाँ अभी तक नन्हे नन्हे मैंने देखा था दो बच्चे की आस में और तुमने लेके भाग गया मेरा गर्लफ्रेंड को। हेलो को मेरे को मेरा गर्लफ्रेंड कब दे रहा है ये बता। मेरी उससे 2 दिन बाद शादी था, तुमने क्यों लेके गया? तुमने मेरा गर्लफ्रेंड को लेके गया यार, मेरी नेहा को तुमने लेके गया है शादी करवाने के लिए अपने साथ। मैं हूँ लड़का, उसका शादी मेरे साथ होने वाला था, मेरा दो दो अच्छे अच्छे बच्चे आने वाले थे 1 साल बाद उसी के साथ। अरे अरे मेरा मेरी गर्लफ्रेंड को तुमने लेके गया है यार, तू जितना भी एज का हो मुझे नहीं पता। मेरी बीवी तुमने मेरे बीवी को लेके भागा है। तुमने मेरा बीवी लेके भागा है जिसके साथ मेरा 2 दिन बाद शादी था। अरे 2 दिन बाद मैंने उसको सिंदूर लगाने वाला था। अच्छा 50 साल की उम्र है इस लड़के की जो जिसके पास फोन कर रहा है। अच्छा 50 साल, ठीक है ना, तूने लेके गया है। हाँ तो कहाँ है, अभी का तो एज में बुढ़ा बुढ़ा तक शादी करता है, 80 का एज में 18 की लड़की से शादी करता, तुम क्यों नहीं ले सकता मेरा 25 की लड़की को? अच्छा अंकल अंकल सुनिए सुनिए अच्छा अंकल सुनिए 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 अच्छा सुनो ना सुनो ना, हम गलती से हो गया था। हाँ सुनिए ना सुनिए 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 माफ कर दीजिए, थोड़ा सा वीडियो बना रहे थे यूट्यूब के लिए तो मजाक चल रहा था, सीरियस मत लीजिए, गुस्सा मत होइए। यूट्यूब में लगा सकते हैं ये वीडियो को मजाक के लिए। कुटिया का मत मेरे को कुटिया का मत बता दिए हम खुद। अरे बाप रे बाप, हम लोग मजाक कर रहे थे अंकल। माफ कर दो माफ कर दो। हाँ अंकल हम लोग मजाक कर रहे थे, ठीक है अंकल। ठीक है, बाप रे इनका पहले बात तो लैंग्वेज में तो समझ नहीं आ रहा, इनको पता नहीं कि गर्लफ्रेंड क्या होता है, मतलब समझ सकते हो कितने एजेड है इनको, यही नहीं पता पचास कि साल का गर्लफ्रेंड एज का बुढ़ा है वो, पहला बात तो जो भी है पता नहीं। अब मैंने तो ऐसा कुछ बोल दिया, उसको भी सोचने पड़ गया हम किसका लेके भाग गया। उसको तो गर्लफ्रेंड समझ नहीं आ रहा था, तो बीवी मैंने बोला कि मेरी बीवी को लेकर तुमने भाग गया, वो भी 2 दिन बाद मेरा शादी है। और उसको ये भी नहीं पता कि गर्लफ्रेंड क्या होता है, मतलब वो बहुत एजेड है।
तो गाइस कैसा लगा तुम लोग को बताओ ये बात। लोग आप लोग ना, अरे चलता है, ये लोग अपने ही इंसान है, चलो अब वो तो है। तो कैसा लगा ये बताना है तुम लोग को। ये हम लोग का कॉलिंग प्रैंक बड़ा भयानक रहा, ठीक है। तो जितना गाली तो एक आंटी से गाली सुन लिया और एक जन को मेरा बीवी भाग गई, ठीक है। अंकल तो कुटने ही वाला था, कुटने वाला था, कहाँ से था वो भी नहीं पता, मैंने तो बिहार बोल दिया, ठीक है। जिसको पता है बोलना मत मेरा कहाँ है, जिसको पता भी चल जाए तो। तो कैसा लगा कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, और ऐसा वीडियो चाहिए तो कमेंट सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि कैसा वीडियो चाहिए। हम लोग तुम लोग को वेट करते हैं यार कमेंट करके, तुम लोग बताते ही नहीं हो। तो चलिए वीडियो पे यहीं पे खत्म करते हैं और अगले वीडियो पे मिलते हैं। बाय बाय।